जी हाँ, हैरान मत होइएगा, खबर बिल्कुल सटीक और सही है। युवराज और रैना वाकई में क्रिकेट ग्राउंड पर लौटने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वे टीम इंडिया की जर्सी में नहीं दिखेंगे। दरअसल क्रिकेटर युवराज सिंह और सुरेश रैना जल्द ही DY पाटिल T20 टूर्नामेंट के 13वें वर्जन में खेलने के लिए तैयार है। ये टूर्नामेंट नेरुल में DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में 4 से 15 जनवरी तक आयोजित होगा। टूर्नामेंट में कॉर्पोरेट क्लब्स और पब्लिक सेक्टर एजेंसी की टीमें मैदान पर भिड़ेंगी। बाकी स्टार क्रिकेटरों के साथ युवराज सिंह और सुरेश रैना की मौजूदगी टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाएगी। गौरतलब है कि वीरेंद्र सहवाग और पार्थिव पटेल जैसे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा रह चुके हैं। हाल ही में युवराज ने स्पोर्ट्स स्टार के साथ इस साल के अपने प्रदर्शन और भारतीय टीम की तरफ से दोबारा खेलने के बारे में चर्चा की थी। युवराज ने कहा था, मैं कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूं और मुझे रन बनाने का विश्वास है। मुझे लगता है कि टीम में दोबारा अपनी जगह बनाकर काफी योगदान दे सकता हूं। मैं वो सब करूंगा जिससे चयनकर्ता प्रभावित हों और मुझे कॉल करें। मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफी क्रिकेट बाकी है और इसका उपयोग राष्ट्रीय टीम में वापसी करके टीम को जीत दिलाकर करना चाहता हूं। आपको बता दें कि रैना की वापसी को तब तगड़ा झटका लगा था जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वे बीमार हो गए थे। इसके बाद से रैना ने फॉर्म में लौटने के संकेत दिए थे। उन्होंने इस महीने सौराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के दोनों पारियों में 91-91 रन बनाए। बहरहाल DY पाटिल टूर्नामेंट की प्रेस रिलीज में बताया गया कि विजेता टीम को 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी और 31 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 7 नॉकआउट मैच होंगे। युवराज और रैना इस टूर्नामेंट में खेलकर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली लिमिटेड ओवरों की सीरीज के लिए नेशनल टीम के सिलेक्टर्स को प्रभावित करना चाहेंगे। आपको बता दें कि टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इस समय चोटिल हैं और युवी और रैना इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे।